फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। पिछली हम लोगों की जो क्लास थी उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बातों का डिस्कशन कर रहे हैं, और सेशन में टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो फैराडे और हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें कोई एक्सपेरिमेंट था जो बीच में रह गया था उसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो एक थर्ड एप्लीकेशन उसका था, यानी एप्लीकेशन क्या उसका जो थर्ड वे था। पहला तो हमने बताया था कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो तो फ्लक्स चेंज होगा। दूसरा कि अगर मैग्नेट की जगह पे हम एक करंट कैरिंग कॉइल ले और रिलेटिव मोशन दे रहे तो फ्लक्स चेंज होगा। तीसरी बात हम लोगों ने जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो ये थी कि अगर हम रिलेटिव मोशन ना देना चाहें तो भी फ्लक्स का चेंज मिलता है। जरूर नहीं कि रिलेटिव मोशन ही मस्ट है, मस्ट है फ्लक्स का चेंज हो, भले वो रिलेटिव मोशन की वजह से हो या बगैर रिलेटिव मोशन के भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर एक हमने कॉइल ले ली जिसमें हमने सेल या बैटरी दे सकते और उसमें अगर वेरिएबल करना चाहे कम और ज्यादा वैल्यू तो क्या कर लेंगे, रिहॉस्टेट लगाना चाहिए और नियर बाई एक दूसरी कॉइल ले लें जो कि अभी तक एक्सपेरिमेंट लेते रहे, इसमें एक गैलोमीटर लगा, वैसे तो गैलोमीटर ये शो करेगा लेकिन जैसे कि ऑन करें और रिहॉस्टेट से सप्लाई का चेंज करें वैसे हमें क्या मिलेगा, गैलोमीटर की नीडल एक साइड में डिफ्लेक्ट करेगी और जैसे हम इसकी सप्लाई को कम करेंगे तो गैलोमीटर की जो नीडल है वो दूसरी डायरेक्शन में को डिफ्लेक्ट करेगी। इससे सीधा ये पता चलता है हमने यहाँ कोई मोशन नहीं दी इस कॉइल को ना इस कॉइल को, फिर भी गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब चेंज इन करंट जो पहले वाले में कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा होगा, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास में चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड किससे रिलेट करती है, मैग्नेटिक लाइनों का चेंज, यानी फ्लक्स के चेंज। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन चेंज इन द मैग्नेटिक लाइन दैट इज द चेंज इन द फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक लाइनें जो इसको क्रॉस करके जो जा रही होंगी उनमें बदलाव हुआ होगा, करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइनें फ्लक्स का चेंज इसमें क्या कर रही है, ज्यादा कर रही होंगी तो गैलोमीटर की नीडल आगे को डिफ्लेक्ट होगी और जब करंट को स्लो कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइनें रिड्यूस हो रही होंगी, कम इससे होकर क्रॉस कर पा रही होंगी जिससे गैलोमीटर की नीडल इस साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रही होगी। तो दोनों ही दशाओं में हम क्या पाते हैं कि देयर इज अ अपोज ऑफ द कॉज मोशन ऑफ द मैग्नेट भी हो सकती थी, मोशन ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट भी हो सकती थी, या तीसरा क्या विदाउट मोशन भी हम कह रहे हैं कि करंट इज चेंज इन वन कॉइल देन वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन इन द नियर बाई कॉइल। तो ये कई तरीके भी हो सकते हैं और हर बात में क्या पा रहे हैं कि अपोज हो रहा है, करंट बढ़ा रहे थे तो गैलोमीटर की नीडल आगे डिफ्लेक्शन दे रही थी, करंट कम कर रहे हैं तो गैलोमीटर की नीडल उधर ही डिफ्लेक्शन दे रही, इसका मतलब अपोज हो रहा है। तो अपोज वाली बात लेंज लॉ में चली जाती है कि ऑलवेज इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज देयर। तो फैराडे के लॉ की अगर हम लोग बात कर लें, फैराडे लॉज, तो फैराडे ने लॉज ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित फैराडे ने दो लॉज दिए, एक तो यही कि चेंज ऑफ फ्लक्स की बात करी थी, चेंज ऑफ फ्लक्स यानी आप वही लैंग्वेज में बोल दोगे व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स देन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और इट लास्ट इन द कॉइल टिल द चेंज इन द फ्लक्स इज अवेलेबल एंड चेंज इन फ्लक्स वेदर इट इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल as well as it is also by the changing value of current in one coil we can observe that। तो ये change in flux की बात करते हैं। इसी को चाहे कोई simple language में उतना ही कहना चाहे whenever there is a relative motion in between the magnet and coil then the EMF is induced in the coil and is last till there is a motion, यानी ये तब तक बरकरार रहता है जब तक कि ये motion, जैसे हम magnet को move करना बंद कर दें तो ये flux का change भी बंद हो जाएगा और गैलोमीटर अपना निडल स्टॉप सिचुएशन में ले आएगा। तो ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, वो फ्लक्स के चेंज की बात करता है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यानी इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
फ्लक्स फाइव टू माइनस फाइव यानी बाद वाला फ्लक्स नहीं पहले वाला फ्लक्स, तो इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई से लिख रहे हैं प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा पी, और ई इज इक्वल टू एक ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लिखते हैं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा डी, ये सेकेंड लॉ चल रहा है इसका रहेगा। तो इन एस आई सिस्टम इन एस आई के इज इक्वल टू वन ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा डी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और फाई अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर बी से डिनोट करना चाहें तो फाई के साथ में सफिक्स में बी लगा सकते हैं। और अगला इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बी सफिक्स में लगा सकते हैं अपॉन डेल्टा डी, यानी एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, ये यहाँ पे पोलैरिटी की बात नहीं बताता है, फैराडे सेकेंड लॉ जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू या कहने मैग्नीट्यूड की बात बताता है, पोलैरिटी यहाँ पे जो माइनस आना चाहिए वो लेंज लॉ बताता है। यहाँ पे बस इतना डाल दें कि लेंज लॉ सेज अबाउट पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी पोलैरिटी के बारे में बताते हैं, और तब अगर हम फैराडे और बेस करके लेंज लॉ की बात कर लें, यानी फैराडे में किसकी बात को इंट्रोड्यूस कर दें लेंज की भी, तो फैराडे लेंज लॉ अगर कंप्लीटली बोले तो माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी हो जाता है, यानी यहां माइनस के बगैर फैराडे सेकेंड लॉ और निगेटिव साइन वी कैन से फैराडे लेंज लॉ, ताकि यहाँ पोलैरिटी भी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो लेंज लॉ में क्या इन्वॉल्वमेंट आ गया, इट अपोजेस द कॉज, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज जो टू विच इट इज डेवलप्ड, और लेंज लॉ ऑलवेज होल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे होगा आप सिंपली समझ सकते हैं, जब किसी कॉइल को या जब सॉरी किसी मैग्नेट को या कॉइल को जो भी बोलते अगर हम किसी मैग्नेट को ला रहे हैं कॉइल के जरिए, ठीक है, तो अगर ये मोशन दे रहे तो नियर बाई पोल कैसा हो गया नॉर्थ, तो नॉर्थ के अगेंस्ट वर्क करने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, नॉर्थ को नॉर्थ पोल के अगेंस्ट वर्क करने में कुछ ना कुछ जो है एनर्जी एक्सपेंड हुई। तो अगर इसको आप एक नेचर दें प्लस दें यानी रिपल्सन के अगेंस्ट आप कह सकते हैं, देन अगेन अगर नॉर्थ को आगे ले जा रहे हैं तो अब नियर बाई पोल कैसा काम करने लगे साउथ जैसा, तो अब अट्रैक्शन के अगेंस्ट होगा, तो अगर रिपल्शन के अगेंस्ट और अट्रैक्शन के अगेंस्ट देखा है तो एक नेचर की तो हो गई, अगर एक में एनर्जी हमें सपोज करने की मिला है वो कंजर्व हुआ है तो दूसरे में उतना एक्सपेंड हो जाएगा खर्च हो जाएगा, इसका मतलब लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंज लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो ओके, फिर अब इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में जो है इस चैप्टर की कुछ और बातों को हम लोग एडी करेंट और उससे संबंधित कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। ओके है नाइस डे, और इसको आप वीडियो को देखें और अगर बेहतर समझते हो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके थैंक यू।